हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अगर जो है गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको जो है लेबर कार्ड बनवा लेना है। अब क्या है, लेबर कार्ड बनाना बहुत ही आसान हो गया है। आप जो अपने घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से मोबाइल या लैपटॉप से अपने घर बैठ कर ही बना सकते हैं, और किस तरीके से बना सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जो कंटिन्यू देखते रहें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना भूलना, ताकि जब अगली वीडियो हमारी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा, जिससे कि आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो करता हूं स्टार्ट। लेबर कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल या लैपटॉप में ब्राउजर ओपन कर लेना, और यहाँ पर आपको सर्च मारना है BOCW और स्पेस दे के अपना स्टेट, जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट का नाम डाल देना। आप जैसे बिहार से हैं, यूपी से हैं, या दिल्ली से हैं, यह महाराष्ट्र है, मतलब जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम स्पेस देके इसके आगे लिख देना है, और उसके बाद आपको जो है सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं हमारे बिहार आ गया, तो बिहार बिल्डिंग वाला ऑप्शन आ गया, इसी के ऊपर हमें जो है क्लिक करना है। उसके बाद आप जो इस पोर्टल के ऊपर, पोर्टल पर आप लॉग इन हो जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हो लेबर रजिस्ट्रेशन, इसके बाद इसी पर आपको क्लिक करना है और अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ये दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप आधार संस्थापन, इसी के ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है अपना, जो आपका आधार नंबर है, और यहाँ पे आवेदन का नाम, मतलब कि अपना नाम टाइप कर देना है, जो आपका नाम है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन कर देना है, ऑथेंटिकेशन कर देना है। ऑथेंटिकेशन होने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस यहाँ पे शो होगा, आप देख सकते हैं। अब डेट देख सकते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन का नाम हमारा ऑटोमेटिक आ गया, जो हमने पहले डाला था, हमने नाम हमारा ऑटोमेटिक ले लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं डेट भी आ गई है आज की, इस डेट को हम कर रहे हैं वो डेट भी आप यहाँ पे शो हो रही है, देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो नीचे दिखेगा डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिला, आपका जिस जिले से बिलोंग करते हैं, मतलब जो आपका जिला है वो यहाँ से चुन लेना है। उसके बाद एरिया चुन लेना आप, कि अर्बन एरिया से हैं कि रूरल एरिया से हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट आपको कर लेना है। उसके बाद आता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो आपको जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी है आपका नगर पालिका पंचायत जो भी होती है ना, वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, और उसका देख सकते हैं यहाँ पर साइज उसका जो है 2 MB से नीचे होना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करके आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, और किस में करना है, PNG JPNG यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर वार्ड नंबर चुन लेना अपना, यहाँ पर सिलेक्ट करके ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वार्ड नंबर मिल जाते हैं, जो भी आपका वार्ड नंबर है यहाँ सेलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपका आता है परमानेंट एड्रेस, आपको जो अपना परमानेंट एड्रेस जो आपको यहाँ पे डाल देना है, और दूसरे वाले कॉलम में भी जो अगर आपका सेम है प्रेजेंट एड्रेस है तो आप वहाँ पे चेक उसे क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा आपका जो आपने यहाँ भरा है। अगर आपका सेम नहीं है तो आपको अपना एड्रेस यहाँ पर भर देना है अगर अलग है तो, और सेम है तो कंसेंट डेट देना है ऊपर से, तो उससे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है, अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो अपने हस्बैंड का नाम डालें यहाँ पर इस वाले कॉलम में। उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपका खुद ही ऑटोमेटिक आ गया है, स्टार्टिंग में डाला था तो यहाँ पे सो रहा है। और यहाँ पे डालना है अपना नेचर, मतलब कार्य बताना कि आप जो है क्या काम करना चाहते हैं, वो इसमें से आपको कार्य चुन लेना है। सिलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करें, आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे सो रहे हैं, आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है नीचे की तरफ आना है, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर अन्य सूचना, मतलब आपको देना है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जन्म, मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है कैलेंडर पर क्लिक करके, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है लेनी है। उसके बाद आधार कार्ड, आधार कार्ड की आपको जो है फोटो यहाँ पर डाल देनी है, इसकी फोटो की साइज जो है 2 MB के आसपास होनी चाहिए, और किस में करनी है JPG यहाँ पे दे रखा है उसमें आप कर दें। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चुन लेनी है कि आप जो किस कैटेगरी से हैं, SC ST जो भी है आपको यहाँ से क्लिक कर लेनी है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देना है जो आप इसमें देना चाहते हैं, और दूसरा नंबर आप अपने घर में किसी का देना चाहते हैं तो वो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दें। उसके बाद ये वाला कॉलम जो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये रीजनेबल नहीं है, उसको आप खाली छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपने एजुकेशन बतानी है कि आपकी एजुकेशन कितनी है, तो सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे तो आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद आपको जो है जेंडर चुन लेना, मेल फीमेल जो भी हैं आप। उसके बाद मटेरियल आपको बताना है, मतलब कि वैवाहिक, मैरिड अनमैरिड है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे तो आपको जो है अपने यहाँ पे उन योजनाओं का नाम बताएं जिनके पिछले 12 महीने में कार्य किया है। आपको यहाँ पर काम बताना है कि आपने कहाँ पर 12 महीने काम किया है, उसका पूरी डिटेल आपको इस फॉर्म में भर देनी है कि 12 महीने में आपने जो है कहाँ पर काम कराया, कैसे क्या है, वो सारी की सारी जानकारी आपको इसमें भर देनी है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे तरफ आएंगे तो यहाँ पर कंसेंट देंगे, कंसेंट देने के बाद आपको यहाँ से बैंक डिटेल देनी है, देख रहे हैं बैंक खाता संबंधित,
तो यहाँ से बैंक डिटेल देनी है, आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर डाल देना है, जो आपका आईएफएससी कोड है टाइप कर दें, और बैंक का नाम आप किस कौन सी बैंक है वो नाम डाल दें, और ब्रांच नेम मतलब शाखा का नाम यहाँ डाल दें, और बैंक का जो एड्रेस है एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल देना है पासबुक में देख के सेम टू सेम। उसके बाद कंफर्म करने के लिए दोबारा से आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे अपनी पासबुक की फ़ोटो डाल देनी है। पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है उसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको यहाँ पे 2 MB की कम से कम होनी चाहिए, जो उस फाइल के ऊपर आपको क्लिक करके वो भी आपको यहाँ से अपलोड कर देनी है। उसके बाद आता आवेदन, यदि पूर्व से ही किसी अन्य कल्याण बोर्ड से सदस्य हैं तो आपको यस करना है, और नहीं है तो नो करना है। और राशन कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। अगर आपके पास है तो आपको जो है यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है। चूज फाइल पर देख सकते हैं 2 MB के आसपास आपकी इसकी फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ से फ़ोटो डाल देनी है। स्क्रॉल डाउन कर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको जो फैमिली मेम्बर्स की डिटेल आपको यहाँ बतानी है, उसका नाम पता एड्रेस सबकी जो है ऑप्शन दे रखा है, एक एक करके सबको ऐड करना है इसमें, और उनकी सारी सारी डिटेल इस फॉर्म में जो है भर देनी है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको नॉमिनी के बारे में बताना है कि आप जो नॉमिनी किसे बनाना चाहते हैं, तो नॉमिनी की सारी डिटेल आप जो है यहाँ पे फिलअप कर दें अपने सही तरीके से, और उसके बाद नॉमिनी डिटेल भर दें। और भरने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर कंसेंट देना है। कंसेंट देने के बाद आर यू श्योर वाले CSE मेंबर हैं, अगर आप CSE मेंबर हैं तो यस करें, नहीं है तो इसको नो रहने दें। नो रहने के बाद आपको जो नीचे ऑप्शन देगा सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ से एक रेफरेंस नंबर मिलता है, तो वो रेफरेंस नंबर आपको संभाल कर रखना है, कि उससे आपको स्टेटस चेक करना है कि आपको जो बनाया नहीं बना कि देना बनेगा। तो आपको जो वापसी होम पेज पर आ जाना है, आपने जो यहाँ पे किया था अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, उसी के नीचे आपको मिल जाएगा व्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस, इसके ऊपर ही जो है हमें क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, और जो रेफरेंस नंबर आपको मिला है वो यहाँ पर डाल देना है, और शो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो है स्टेटस यहाँ पर शो होने लग जाएगा। तो आप जो है इसी तरीके से ही अपने घर बैठे ऑनलाइन तरीके से मोबाइल या लैपटॉप से लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो यही प्रोसेस है, यह है हर स्टेट में यही प्रोसेस रहने वाला है, किसी किसी में थोड़ा कुछ चेंज हो सकता है, वरना तो हर स्टेट में इसी तरीके से ऑनलाइन बनना है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें, और आप लोगों को वीडियो कुछ दिक्कत हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो आप लोगों को जो पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, साथ ही साथ और ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि जो अगली वीडियो हमारी आएगी उससे क्या है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, जिससे आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।